हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज नाश्ते में बनाते हैं कद्दू की सब्जी। और कद्दू की सब्जी बनाने के लिए हम आधा किलो के लगभग कद्दू ले लिए हैं। इसे अच्छी तरह से काट के धुल लिए हैं। एक तरफ हम मसाला तैयार कर लेंगे, जिसमें 1 चम्मच के लगभग सरसों और लहसुन मिर्ची का पेस्ट रहेगा। मिला के पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे, उसमें आधा चम्मच के लगभग मेथी डालना है। और मेथी चटक जाए तो उसमें ये तैयार किया हुआ पेस्ट डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। 2-4 सूखी मिर्ची भी ऊपर से आप डाल सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ने लगे। तो लगभग तेल छोड़ने ही लगा है मसाला। अब हम यहाँ पे 3 से 4 कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर इसलिए क्योंकि सरसों की सब्जी बन रही तो थोड़ा खट्टा ज़रूरी है। बहुत लोग इसमें आम का अचार भी डालते हैं, तो हम इसमें आम का अचार नहीं डाल रहे हैं, हम टमाटर डाल रहे हैं। अब मसाला भुन गया है तो अब हम यहाँ पे ये कद्दू डाल देंगे और डाल के मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढक ढक के थोड़ी थोड़ी देर पे इसे चलाएंगे ताकि ये अच्छे से मसाले के साथ भुने। और देखिए ये बहुत अच्छा भुन गया है। तो अब हम यहाँ पे आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे, जितनी हमको ज़रूरत है, 1 से 1.5 गिलास के लगभग। जितना हमको ग्रेवी चाहिए, तो हमको लटपटी सब्जी बनानी है, बहुत ग्रेवी वाली नहीं बनानी है, तो हम इसमें 1.5 गिलास के लगभग पानी डाल देते हैं और इसे ढक के 5 से 7 मिनट पकाएंगे। बीच बीच में एक आध बार देख भी लेंगे कि कैसा बना है। तो हमारी कद्दू की सब्जी बन के तैयार है। इसे हम चावल के साथ परोस लेते हैं। तो देखिए चावल के साथ हम इसे निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।